मैं हूं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक में देखेंगे तो वो क्वेश्चन इस तरह से है, 1/x रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसे भी दो मेथड से कर सकते हैं। जब भी आपने देखा होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको तरह तरह की टेक्निक बताने की कोशिश करता हूं। तो टेक्निक नंबर 1 है कि इसे सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा की मदद से इसे सॉल्व करें, विद द हेल्प ऑफ x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा यू कैन इंटीग्रेट इट। और दूसरा तरकीब है जो मैं आपको बोल रहा था कि इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 विच वी हैव सॉल्व, तो उसे देखिए कि किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से अगर आप 1 से इसको कोरिलेट करते हैं तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर ए अप ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर बाहर आके एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स और ये जब एक्स होगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा, इन अंडर रूट ऑफ एक्स से एक्स कैंसिल, इट बिकम्स ए बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। टी इज इक्वल टू, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बाय एक्स माइनस 1 विच यू कैन राइट एज ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 एंड देयरफॉर डी टी बाय डी एक्स होगा ए एक्स टू द पावर माइनस 1 का होगा माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 विच इज माइनस 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। अब आप देखें कि आप हमारे पास इंटीग्रल में क्या है, वी हैव dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dx को आप उधर भेज दें, x टू द पावर माइनस 2 को नीचे भेज दें, तो ये हो गया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर। जो बचा a इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस a, उसको आप यहां भेज दें, तो ये होगा dt अपॉन माइनस a, dt अपॉन माइनस a मीन्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाई डी टी अपॉन माइनस ए, देयरफॉर द इंटीग्रल विल बी, इसलिए आपका इंटीग्रल मेरे बच्चों होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर को देखिए बहुत आसान है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी जगह लिखेंगे डी टी अपॉन माइनस ए होल अपॉन। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, 1 ए अपॉन एक्स माइनस 1 को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, टी। आप चाहें तो टी स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर दे, उससे भी सेम आंसर आएगा, तो अभी हमने इसको टी से रिप्लेस किया है तो टी रख देंगे यहां रूट टी, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है, तो वो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, आप चाहें तो इसके अपॉन में 1 लिख दे, आप 1 लिख दे, नो हार्म इन राइटिंग 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा डी टी, नो चेंज, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए इंटू रूट टी, 1 अपॉन माइनस ए कॉमन, टी टू द पावर 1 बाय 2 नीचे, ऊपर जब आप इसको ले जाएंगे तो इट बिकम्स टी टू द पावर माइनस 1 बाय 2 डी टी, और इसका इंटीग्रल होगा प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, तो माइनस ऊपर ले लीजिए, इसका इंटीग्रल होगा टी टू द पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी वेर एन इज नॉट माइनस 1। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, और वो 1 बाय 2 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ए टी टू द पावर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2
प्लस सी माइनस टू बाय ए और रूट टी प्लस सी और टी का आप वैल्यू रख ले। तो जब टी का आप वैल्यू रखेंगे तो ये होगा आई इज इक्वल टू टी का वैल्यू माइनस टू बाय ए वैल्यू वैल्यू देखिए आप इसका टी व्हाट इज टी तो टी आप देखें यहां पर है ए बाय एक्स माइनस वन तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए बाय एक्स माइनस वन प्लस सी। अब आप एलसीएम ले लें तो आपको बुक के आंसर से ये मैच हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। अब अगर आपको इसमें कोई भी जरा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे अपने कमेंट जरूर लिख कर दे कमेंट बॉक्स में। और अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व जिसे आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।